नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए बनाए जा रहे सेप्टिक टैंक के बारे में बताना चाहता हूं। और ये जो आप सेप्टिक टैंक देख रहे हो, टॉयलेट और बाथरूम के लिए बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में खास है और सबसे अलग है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा घर के लिए सेप्टिक टैंक बनता हुआ देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर सेप्टिक टैंक जो आपने देखा होगा वह या तो ब्रिक वर्क के द्वारा बनाया गया होगा या फिर कास्टिंग के द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन ये जो आप सेप्टिक टैंक देख पा रहे हो, इसे प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक बोला जाता है। यह पहले से ही ढलाई किया हुआ होता है, सिर्फ आपको इसे फिक्स कर देना होता है। क्या इसका साइज़ है, कितना रुपये में मिलता है, पूरा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हाइट का बात कर लिया जाए तो 7 फीट इसका ऊंचाई रखा गया है, और इसका गोलाई का बात कर लिया जाए, आप देख सकते हो ये गोलाई का बात कर लिया जाए तो 3 फीट का डाया इसका रखा गया है। मतलब 3 फीट बाई 7 फीट का एक आपको गोलाकार रूप में सेप्टिक टैंक देखने को मिल रहा है, एक ब्लॉक का साइज। ऐसा ही यहाँ पे 3 ब्लॉक का साइज जो सेम साइज़ का है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि आपको गड्ढा खोदते हुए कुछ इस तरीके से इसे फिक्स करना होता है। पहले आपको गड्ढा खोदवाना है, उसके बाद में इस ब्लॉक को डालते हुए मिट्टी से आपको भर देना है, ताकि बाद में ये हिले डुले नहीं और अपने जगह पर ये चला जाए। ऊपर में जो एयर निकलने के लिए हम लोग पीवीसी पाइप देते हैं, उसके लिए भी आप देख सकते हो कि ईंट की मदद से जो मुंदा गया है वहाँ पे बाहर निकालते हुए पाइप यहाँ पे जाम है वो किया जाने वाला है। इसके साथ में आपको इसके साथ में ढक्कन भी मिल जाता है, आप देख सकते हो 3 यहाँ पे टंकी नज़र आता है, उसके ऊपर में आपको ढक्कन लगा हुआ भी नज़र आ रहा है। इसे किस तरीक़े से कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे इसके नीचे में लगभग 2 फीट नीचे में इसे खोदते हुए पीवीसी पाइप के द्वारा एक दूसरे से इसे कनेक्ट किया जाता है, कि जब सैलरी आए किसी एक ब्लॉक में, उसके बाद वो फिर दूसरा ब्लॉक में आसानी के साथ ट्रांसफ़र है वो हो जाए। आप लोगों ने जो देखा होगा ईंट वाला जो हम लोग बनाते थे, उसमें भी नीचे में हम लोग ईंट के जो जुराई करते थे कुछ जगह में छोड़ देते, ताकि एक से दूसरे में जो सैलरी है, जो हमारा मटेरियल जमा होता है, वो एक दूसरे ब्लॉक में आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सके। ये देख सकते हो आउटलेट पाइप है, मतलब जो इससे निकलता हुआ जो पानी बाहर आता है कचरा वाला, वो यहाँ पे सेप्टिक टैंक से निकलने के बाद में यहाँ पे सोकपिट बनाया जाएगा, जो कि पानी यहाँ पे सूखने का स्थान होगा। तो इनलेट पॉइंट उधर लगाया जाएगा, उसके साथ साथ ये आप आउटलेट पॉइंट देख रहे हो। तो इस तरीका से इस सेप्टिक टैंक को जाम किया जाता है। आप देख सकते हो 7 फीट बाई 3 फीट का ये सेप्टिक टैंक रहता है। बात कर लिया जाए कि कितना रुपया में ये मिलता है, तो ये एक जो ब्लॉक आप देख रहे हो इसका कीमत 4000 है। मतलब 3 ब्लॉक का कीमत आपको 12000 रुपये आ जाएगा। इसमें आपको इंस्टॉलेशन जो चार्ज है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब वो आकर आपके घर में इस तरीके से फिक्स कर देंगे, सिर्फ आपको गड्ढा है वो इसके लिए खोदवाना होगा। तो जहाँ आप अगर आप ईंट वाला जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं वहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपये आपका लग जाता है, ढलाई वाला बनाते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास आपका खर्चा हो जाता है। तो अगर आप कम पैसा में चाहते हैं जल्दी सेप्टिक टैंक बनाना, तो आप प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक के साथ भी जा सकते हैं। मात्र 12000 में आपका जो काम है वो निकल जाएगा, कुछ पैसा आपको खुदाई में लगेगा, मतलब 13 से 14 हज़ार में आपका सेप्टिक टैंक का काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा काम है हर तरह का वीडियो आप लोग तक पहुंचाना। आज मैंने ज़रूरत समझा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप लोग को वीडियो दे दिया हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।